किड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कंप्यूटर बुक एक्सप्लोरिंग आईसीटी वर्ल्ड बाय प्राची, रिटन बाय विवेक शर्मा. वी आर गोइंग टू डू इट्स फर्स्ट चैप्टर, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर्स की इवोल्यूशन कहाँ से हुई, मतलब जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट कहाँ से हुए. सो इन दिस वी विल रीड ऑल द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि उसमें क्या क्या हुआ, किस किस तरह से हमारी जो नई नई जनरेशन आई कंप्यूटर की. सो लेट अस स्टार्ट इट. द वर्ड कंप्यूटर इज डराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटियर. जो कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ, वर्ड लैटिन वर्ड है कंप्यूटियर, इससे ड्राइव हुआ, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट. तो इसको हम इस तरह की एक मशीन बोलते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट रॉ इन्फॉर्मेशन और डाटा एज इनपुट एंड प्रोवाइड्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन एज आउटपुट. तो क्या करता है ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऐसी है ये जो हमसे रॉ इन्फॉर्मेशन लेती है या रॉ डाटा लेती है, और क्या करती है फिर उसको एज अ इनपुट लेती है, डाटा को एज अ इनपुट लेती है और उससे फिर चेंज करके उसको यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है और फिर हमें आउटपुट दे देती है. मतलब हमने इनपुट दिया, उसके अंदर प्रोसेसिंग हुई और फिर वो हमें आउटपुट दे देती है. तो इट नॉट ओनली कैलकुलेट्स बट ऑल्सो डू मैनी टास्क एट अ टाइम. जो कंप्यूटर है वो सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं करता बल्कि एक टाइम में बहुत सारे काम भी करता है. बट आई वंडर विच कैलकुलेटिंग डिवाइस वर यूज बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न डे कंप्यूटर. लेकिन यहाँ पर हमारी सोचने वाली बात ये है कि कंप्यूटर के आने से पहले कौन सी ऐसी डिवाइसेस थी जो कंप्यूटर के आने से पहले यूज़ होती थी. सो लेट अस रीड ऑल दिस. हम इनको ब्रीफली पढ़ेंगे, ज़्यादा इनको डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. तो ज़्यादा हमें ब्रॉड में जाने की जरूरत नहीं है. आई जस्ट गिव यू ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर. सो जो कंप्यूटर है वो सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट इन्वेंशन है मैनकाइंड की, मतलब मानवता के द्वारा इंसान की बनाई गई सबसे ज़्यादा अच्छी इन्वेंशन है. अब ये क्या बन गया, अब हमारी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, मतलब इंटीग्रल पार्ट है जिसको हम अपनी लाइफ में से रिप्लेस नहीं कर सकते. अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो सिर्फ नॉट ओनली कंप्यूटर इज़ कंप्यूटर. जो हम डेस्कटॉप पे कंप्यूटर हम कीबोर्ड चलाते हैं, सिर्फ वही कीबोर्ड नहीं होता बल्कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है जिससे अब मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ या फिर जिस मोबाइल फ़ोन से आप अपना वीडियो देख रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मिनी कंप्यूटर. उसके अंदर भी इस तरह के चिप्स लगे हुए हैं, इस तरह की प्रोसेसिंग उसमें की हुई है कि उससे आपका जो काम है वो ईजी हो रहा है, फास्ट हो रहा है. अगर यही काम अभी एट प्रेजेंट अगर हम जो क्लासेस चला रहे हैं, स्कूल्स आर क्लोज्ड, एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड, अब हम आप तक कैसे पहुँच रहे हैं. वी आर रीचिंग टू यू थ्रू कंप्यूटर, वी आर रीचिंग टू यू थ्रू मोबाइल्स. तो मोबाइल इज़ ऑल्सो वन ऑफ काइंड ऑफ कंप्यूटर, एक काइंड ऑफ कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर है जिसमें सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं. लाइक हाउ इट इज़ लाइक वी आर हेयर एंड वी आर एबल टू टॉक टू यू बाय सिटिंग एट होम. आप अपने घर में बैठे हैं, हम अपने घर में बैठे हैं, तो दिस इज़ वेरी ग्रेट एडवेंचर ऑफ मैनकाइंड. ठीक है, फर्दर वी हैव, आगे क्या है, हम पढ़ रहे हैं अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. जो हम कंप्यूटर के आने से पहले कौन सी ऐसी डिवाइसेस थी जो यूज़ होती थी. सबसे पहले है अबैकस. जो फर्स्ट डिवाइस थी वो क्या थी, अबैकस थी. और ये लैटिन वर्ड अबैक्स से डराइव हुआ है. और ये क्या है, एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है. यहाँ पे जैसे आपको दिखाया गया, ये पिक्चर दिखाई गई है, इसमें क्या है, ये बीड्स हैं, बीड्स को एक रॉड्स में डाला गया है और एक लाइन में टोटल 5 + 2 = 7 बीड्स हैं. तो इस तरह के इसको काउंटिंग फ्रेम में इसको कन्वर्ट किया गया है. और इसके जो ऊपर वाली लाइन है उसको बोलते हैं हम, जो टॉप होता है उसको बोलते हैं हेवन, और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं अर्थ. तो दिस इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस टू कैलकुलेट. हम उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं, लाइक प्लस माइनस करने के लिए, इनटू करने के लिए यूज़ करते हैं इसको. ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव नैपियर बोन्स. दिस इज़ नैपियर बोन्स. ये आपका पिक्चर आपको दिखाई हुई है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई का काम करता था. ये नैपियर बोन्स एक पर्सन है जिसने, जो नैपियर बोन्स इज़ द डिवाइस नेम जो कि जॉन नैपियर ने बनाया था. जॉन नैपियर एक पर्सन है, उसके नाम पे ही उसने अपने जो डिवाइस है उसको नेम किया था. और ये मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ होती है. देन फर्दर वी हैव हियर पास्कलिन. पास्कलिन क्या है, ये ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया था. ब्लेज पास्कल ने इसको डिज़ाइन किया था. और ये किस लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है. सो आर यू वॉचिंग दीज ऑल, जो हम जो डिवाइसेस के नेम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ लाइक कोई काउंटिंग कर रही है, वो कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा है, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर रहा है. लेकिन आजकल का जो हमारा कंप्यूटर है, जो अब एडवांस कंप्यूटर है, लाइक हमारा मोबाइल है, वो क्या क्या काम करता है, वो प्लस माइनस भी कर सकता है, वो हमारी बातें भी करा सकता है, वो हमारा वीडियो भी बना सकता है, वो हमें
बहुत सारी चीज़ें और भी दिखा सकता है, हमें गेम भी खिला सकता है, मतलब वेरी एडवांस्ड इट इज़। तो ये पुरातन है, ये जो सारे एंशियंट टेक्निक्स हैं जो पहले आई थी। उसके बाद है जैकवर्ड लॉन। जैकवर्ड लूम क्या है? ये जोसेफ मैरी ने बनाया था। ये इसमें क्या होता था, पंच कार्ड की तरह कुछ यूज़ होता था और इसके द्वारा क्या होता था, कैलकुलेशंस वगैरह होती थी। आगे है डिफरेंस इंजन। ये है चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाया गया डिफरेंस इंजन। ये 1823 में बनाया गया था और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा कैलकुलेटिंग डिवाइस माना गया है, क्योंकि इसके बाद, इस डिफरेंस इंजन के बाद एक एनालिटिकल इंजन बना था, जो कि वो भी चार्ल्स बैबेज ने ही बनाया था। तो ये दोनों क्या थी, मैकेनिकल डिवाइस थी, मतलब कोई चीज़ जिस तरह से ये हमारे कुछ मैकेनिज्म बनाए गए हैं, कुछ रॉड्स डाली गई हैं इनके ऊपर, जो ये रॉड्स लगे हुए हैं इनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, सीरीज ऑफ नंबर लिखे हुए हैं। तो ये बहुत सारी ऑपरेशन करता था, लाइक 4 ऑपरेशन सारे, कंपैरिजन भी करता था इसमें, इनपुट आउटपुट स्टोर मिल कंट्रोल। इनपुट क्या था, पहले हमारा डाटा लेता था पंच कार्ड के थ्रू, आउटपुट हमें आउटपुट देने के लिए होता था, स्टोरेज हम जो डाटा उसमें स्टोर करके रख सकते थे, और मिल के अंदर क्या होता था, सारी कैलकुलेशन होती थी और कंट्रोल होता था। तो दिस इज़ ऑल कॉल्ड, मतलब ये एनालिटिकल इंजन में होता था। ये भी चार्ल्स बैबेज ने ही बनाया था। तो चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उसने ही एक मैकेनिकल डिवाइस बनाई थी जिससे किसी के दिमाग में आ सकता था कि कोई ऐसी डिवाइस हो सकती है जिससे सारे काम पॉसिबल है। तो जो मेन आइडिया था कंप्यूटर का, वो चार्ल्स बैबेज के द्वारा ही बनाया गया था। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ने क्या इन्वेंशन किया था? डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, और उसको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। उसके बाद हमारे और भी बहुत सारे लोग आते गए, लाइक मार्क वन एंड एनियाक एडवैक। ये आपको ज़्यादा ब्रॉड में रीड करने की ज़रूरत नहीं है। यूनीवैक, इनको ज़्यादा ब्रॉड में रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ हिस्ट्री। हमारा जो मेन पार्ट है, हमारा अभी जो हम अब करने जा रहे हैं, वो है हमारा 5th जनरेशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1980 टू टुमोरो, मतलब हमारा आज तक की जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो 5th जनरेशन है, मतलब जो कंप्यूटर है उसकी अब तक 5 जनरेशन आई हैं। इफ आई शो यू हेयर, 1st जनरेशन जो थी वो 1940 से लेकर 1956 तक थी, जिसमें कि वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा काम होता था, और ये बहुत ही बड़े बड़े क्लमजी से कंप्यूटर होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग से कंप्यूटर होते थे। 2nd जनरेशन जो थी वो क्या थी, 1956 से लेकर 1964 तक थी, जिसमें कि ट्रांजिस्टर्स सिलिकॉन और जर्मेनियम के ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे, और ये थोड़े छोटे थे साइज़ में, मतलब इससे 1st जनरेशन से थोड़े से छोटे हो गए थे। देन जो 3rd जनरेशन थी वो क्या थी, 1964 से लेकर 1971 तक थी, और इसके अंदर सर्किट्स लगाए गए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मतलब एक दूसरे के साथ मिलते हुए सर्किट्स लगाए गए थे, जैसे हम तारों को जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो सर्किट्स लगाए गए थे। और ये छोटे थे, स्मॉलर थे, फास्टर और पोर्टेबल, ये छोटे थे और फास्ट काम करते थे और पोर्टेबल थे, मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह इनको ले जा सकते थे। और 4th जनरेशन जो क्या थी, 1971 से लेकर 1980 तक की थी 4th जनरेशन, उसमें क्या था, स्मॉलर एंड फास्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसमें भी सर्किट्स थे और इसमें भी सर्किट्स थे, तो इसमें सर्किट्स जो क्या थे, छोटे थे और फास्ट थे, और ये इससे भी ज़्यादा स्मॉल था, इससे ज़्यादा फास्ट था, इससे ज़्यादा रिलायबल था, मतलब हम उस पर विश्वास कर सकते थे, कुछ काम खराब नहीं होगा, कुछ उल्टा नहीं होगा, कोई हमारा डाटा ख़राब नहीं होगा, और एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी थी इसकी, मतलब वो हमारे को बिल्कुल सही डाटा देता था, एंड पोर्टेबल, वो भी उसको हम एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते थे। तो दिस इज़ अबाउट अ लिटल ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द 4th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर जो अभी तक आई हैं। अब हम करने जा रहे हैं 5th जनरेशन। वो कह रहे हैं कि जो रिसर्चर हैं और जो साइंटिस्ट हैं, वो न्यू टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा बड़ी अलग टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं। मतलब अगर हम सोचें कि आज से 25 साल पहले, या फिर यू कैन से आज से 40 साल पहले, नोबडी कुड थिंक कि हम इतनी दूर से बात कर सकते हैं, किसी से बात भी की जा सकती है। मतलब तब उस टाइम पे क्या होता था, लेटर्स लिखते थे एक दूसरे को, लेटर्स लिखते थे, फिर एक पर्सन लेटर लेके दूसरे पर्सन के पास जाता था, वो रीड करता था, फिर वो उसमें जवाब लिखता था, फिर वो दोबारा लेटर भेजता था। तो मतलब एक मैसेज कन्वे होने में भी आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम लगता होगा। और अब एट प्रेजेंट हमारा क्या, अगर हमने कोई मैसेज देना है, हम यहाँ से अगर हमने ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में या फिर हमें अमेरिका में कोई मैसेज देना है, तो दैट ऑल्सो वी कैन गिव जस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। हम बहुत जल्दी अपना कोई भी मैसेज कहीं पर भी पहुँचा सकते हैं। एंड इवन नॉट ओनली वॉइस मैसेज, हम सिर्फ वॉइस मैसेज नहीं, रिटन मैसेज भी भेज सकते हैं। एंड इवन हम वीडियो कॉल की तरह
उन पर्सन को हम देख भी सकते हैं. तो दिस नोबडी कुड एवर थिंक 40 साल पहले ये सब चीज़ें कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब ये चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं, है ना. तो लेट्स सी ये जो हमारी फिफ्थ जनरेशन है उसमें क्या है. मशीन्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जो इसमें फिफ्थ जनरेशन में जो हमारी कंप्यूटर्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, मतलब समझ के ऊपर बेस्ड है. कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन स्पीच. और अब वो क्या करते हैं, हमारी ह्यूमन स्पीच को भी समझते हैं, जैसे कॉर्टाना, सीरी एंड विदाउट सराउंडिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखें आपका गूगल डियो में आता है, या फिर हम आपका एक और उसके अंदर आता है सीरी आता है, उसमें क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि गूगल सर्च फॉर मी दिस मीनिंग ऑफ दिस, तो क्या करता है गूगल हमें तभी के तभी मीनिंग सर्च करके दे देता है. मतलब वो हमारी ह्यूमन स्पीच को भी समझता है, इतने ज़्यादा एडवांस आ गए हैं. वॉइस रिकॉग्निशन इज एंड विल बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनपुट अलॉन्ग विद अदर डिवाइसेज. जो वॉइस रिकॉग्निशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इनपुट देने के लिए. लाइक अगर मैंने कुछ मैटर टाइप भी करना है, अगर मैंने आपको इसके आंसर भी भेजती हूँ, या फिर मैं इसको कुछ भी आपको डाटा भेजती हूँ, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे सारा कुछ अपने हैंड से वन वन लाइन मुझे टाइप करनी पड़ेगी. मेरे पास वॉइस इनपुट का ऑप्शन भी है मेरे कंप्यूटर में और मेरे फ़ोन में. वॉइस इनपुट का क्या होता है उस फंडे में कि लाइक इफ़ आई स्पीक वॉइस रिकॉग्निशन इज एंड विल बी एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इनपुट. तो क्या होगा, यही सेम लाइन मेरे बोलने के कारण मेरी वॉइस को समझकर मेरे कंप्यूटर के ऊपर या मेरे फ़ोन के ऊपर टाइप होके आ जाएगी. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी बिग इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा. देन है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. चिप्स आर एक्सपेक्टेड टू हाउस मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स. और इसमें क्या है, बहुत बड़ी बड़ी चिप्स लगी गई हैं जिसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स भी लगे हुए हैं. और इसके क्या है जनरेशन के कौन कौन से एग्जांपल है, लाइक सीरी, कोर्टाना, एलेक्सा, रोबोट्स एंड सो ऑन. ये सारे फिफ्थ जनरेशन के हमारे यू कैन से कंप्यूटर है. देन वी आर डूइंग दिस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका करेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस. ये आपको क्वेश्चन आंसर में नहीं दी गए हैं, बट आई टाइप एंड सेंड यू दीज. ये आपने लर्न करने हैं कि कंप्यूटर के करेक्टरिस्टिक्स मतलब इसकी विशेषताएं क्या हैं. करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, विशेषताएं क्या हैं, या फिर इसके बेनिफिट्स क्या हैं, या आप बोल सकते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं. और दूसरा लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, लिमिटेशंस का मतलब होता है इसकी कमियाँ क्या है, किस तरह की कमियाँ इसके अंदर है कंप्यूटर के अंदर. ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स रीड दिस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. क्या है इसमें, स्पीड क्या है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा स्पीडली काम करता है. मतलब अगर मैंने कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी हो जिसको मैं हैंड से करने में या फिर कैलकुलेटर से करने में मुझे 2 घंटे लगेंगे, तो अगर मैं कंप्यूटर में उसको पूछूंगी, कंप्यूटर में उसको टाइप करूंगी, तो दैट कैन बी डन वेरी फास्ट. ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब कि वो जो काम है, मेरा कोई भी काम है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, मतलब बिल्कुल सही होगा, विद नो मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं होगी उसके अंदर. ठीक है, डिलीजेंस का मतलब क्या होता है कि वो बिल्कुल थकता नहीं है और बिल्कुल बोर नहीं होता. कंप्यूटर क्या होता है, थकता नहीं है, बोर नहीं होता. अब हम काम कर करके थक जाते हैं, बोर भी हो जाते हैं एक ही तरह का काम करते हुए, लेकिन जो कंप्यूटर है वो कभी भी बोर नहीं होता, एंड इट कैन वर्क फॉर आवर्स, और बहुत ही घंटों तक वो काम कर सकता है विदाउट एरर, बिना किसी मिस्टेक के वो काम कर सकता है. ठीक है, फिर रिलायबिलिटी क्या है, डिपेंडेबल, कि हम इस पे विश्वास कर सकते हैं, इट डज नॉट फॉरगेट एनीथिंग. अगर हमने एक बार कोई एंट्री या कोई डाटा उसके अंदर डाल दिया तो कंप्यूटर उसको भूलेगा नहीं, हमने जो उसमें सेव कर दिया उसको भूलेगा नहीं. तो दिस इज़ ऑल कॉल्ड प्रोग्रामिंग. हमने प्रोग्रामिंग कर दी कि 2 + 2 = 4 होगा, तो वो हमेशा ही जब हम लिखेंगे 2 + 2 तो आंसर 4 ही आएगा. लाइक आप छोटे बच्चे हैं, आप कैलकुलेशन में मिस्टेक भी कर देते हैं, आप उसके अंदर कुछ और आना 4 चाहिए, आप 10 भी लिख देंगे, 8 भी लिख देंगे, 6 भी लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, लेकिन जो कंप्यूटर है दैट इज़ एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेसी है या उसमें रिलायबिलिटी है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं. देन वी हैव ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, कि इसके अंदर जो कैपेसिटी है स्टोर करने की दैट इज़ वेरी बिग, हम उसमें कितना मर्जी डाटा स्टोर कर सकते हैं. देन वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक टाइम में बहुत सारे काम कंप्यूटर कर सकता है. अगर हमने एक टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, आपका होमवर्क कर रहे हैं आप अपना, और साथ में म्यूज़िक चला लेंगे, फिर आपका ध्यान क्या होगा, म्यूज़िक की तरफ चला जाएगा, इधर आप मिस्टेक कर देंगे, है ना. इट हैपन्स, यूजुअली इट हैपन्स, इट इज़ ह्यूमन मेंटेलिटी. ह्यूमन के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि एक टाइम में एक बार में बहुत सारे काम कर सके, लेकिन जो कंप्यूटर है उसके अंदर बहुत इस तरह की कैपेसिटी होती है. अगर आप कंप्यूटर में एक साइड पे आप सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं, दूसरी साइड पे आप अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, अपनी टाइपिंग कर रहे हैं, या फिर आप कुछ और काम कर रहे हैं, या ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो कंप्यूटर कैन डू मैनी वर्क्स एट अ टाइम. ठीक है,
अभी इन्होंने क्या एग्जांपल दिए इसके, लाइक सॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन, बहुत बड़ी कैलकुलेशन विद इन सेकेंड, सेकेंड्स के अंदर कर सकता है, राइट स्टोरीज एंड पोएम, स्टोरीज एंड पोएम लिख सकता है, शेयर एंड लर्न न्यू थिंग्स भी सीख सकता है, बिल्स पे कर सकता है, फ्रेंड्स के साथ चैट करा सकता है, गेम्स खिला सकता है, ऑनलाइन टेस्ट हो सकते हैं इसमें, प्रेजेंटेशंस बन सकती हैं और ईमेल भी सेंड हो सकती है. तो दिस इज़ ऑल द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर. ये सारे क्या हैं हमारे कंप्यूटर के एडवांटेज हैं, उसके लाभ हैं, उसकी विशेषताएं हैं. नाउ वी आर गोइंग टू रीड द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या है? इट हैज़ जीरो IQ. कंप्यूटर का जो IQ है, मतलब उसकी, मतलब हमने जो सेव कर दिया, अगर हमने लिख दिया 2 + 2 = 5, तो कंप्यूटर सोचेगा नहीं कि 2 + 2 तो 4 होता है. कंप्यूटर वही मानेगा जो हमने उसको बोल दिया. उसका खुद के सोचने समझने की कोई ताकत नहीं है, उसकी IQ नहीं है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको बोला 2 × 2 = 4 होता है, मैंने आपको बोला 2 × 2 = 6 होता है, तो आप कहेंगे नहीं, 2 × 2 = 4 होता है, मैंने 2 का टेबल कर रखा है. आप बोलेंगे ना कि मैंने तो, क्यों, आपकी सोचने समझने की ताकत है, आपने वो चीज़ ऑलरेडी कर रखी है, तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या फिर आपको जो आपके टीचर्स ने सिखाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि 2 × 2 = 4 होता है, 6 नहीं होता. लेकिन कंप्यूटर को जो हम बोलेंगे, कंप्यूटर वही मान लेगा, उसका IQ खुद का नहीं होता. देन इट कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन. कंप्यूटर जो है वो अपने आप में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, मतलब ह्यूमन को ही उसके साथ मिलके कोई ना कोई काम करना पड़ता है. देन सिटिंग टू क्लोज टू मॉनिटर कैन ऑल्सो स्ट्रेन योर आइज. अगर हम बहुत ज़्यादा मॉनिटर के बिल्कुल पास बैठते हैं तो हमारी आंखों पर स्ट्रेन पड़ सकता है. अगर हम कंप्यूटर पे लगातार काम करते हैं, प्ले करते हैं, तो उससे हमारी बैक पेन हो सकती है, नेक में स्ट्रेन आ सकता है. और डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं या फिर जो हमारे लैपटॉप्स हैं या टैबलेट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो तभी तक काम करेंगे जब तक उनको बिजली की सप्लाई मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलेगी. जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ होगी तो वो हमारे सिस्टम जो है वो बंद हो जाएंगे. देन एक वायरस, ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, वायरस वर्ड, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो हम कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाते हैं, तो इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर पर अटैक करते हैं. जैसे अब आपने सुना है कोरोना वायरस. कोरोना वायरस क्या कर रहा है? हम पे अटैक कर रहा है, मतलब ह्यूमन बीइंग पे अटैक कर रहा है. कैसे अटैक कर रहा है? लाइक हमारे नोज़ के थ्रू, हमारी बॉडी, हमारे टच के थ्रू वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, फिर हमें कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाती है, फिर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है. तो जो वो वायरस है, कोरोना वायरस, वो हम पे अटैक कर रहा है ना. इस तरह से कंप्यूटर के भी वायरस होते हैं जो कंप्यूटर पे अटैक करते हैं, उसकी जो वर्किंग है उसको स्टॉप कर देते हैं, उसी को ख़राब कर देते हैं. तो उससे हमें बचा के रखना पड़ता है कंप्यूटर को. और क्या होता है, और इसकी लिमिटेशंस क्या है? शॉपिंग एंड पेइंग बिल्स थ्रू इंटरनेट में लीड टू ट्रबल. जब हम शॉपिंग करते हैं या बिल्स पे करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तब भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है. मतलब हमारा डाटा हैक हो सकता है, हमारे बैंक की स्टेटमेंट लूज हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. एंड देन पीपल में हैक योर अकाउंट. जो लोग हैं वो हमारा पासवर्ड स्टील कर सकते हैं, चुरा सकते हैं और हमारा अकाउंट हैक कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर. मतलब इसकी कमियाँ क्या है कंप्यूटर के अंदर. सो दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीट. ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में क्या है? द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी आई थी, वो क्या थी? अबैकस. तो अबैकस इज़ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. देन इन 1834 चार्ल्स बेबेज डेवलप्ड विच मशीन. चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. तो 1834 में उसने कौन सी मशीन बनाई थी? दैट वॉज एनालिटिकल इंजन. देन हु डिज़ाइंड मार्क सीरीज ऑफ कंप्यूटर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. हमने रीड नहीं किया है ये, किसने डिज़ाइन की थी मार्क सीरीज? ये की थी हॉवर्ड एकिन एंड ग्रेस होपर. ए और बी दोनों ने बनाई थी. तो इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी. देन सिमुलेशन एंड वर्चुअल रियलिटी इज अ फीचर ऑफ विच जनरेशन. सिमुलेशन और वर्चुअल रियलिटी कौन से जनरेशन के फीचर्स हैं? दैट इज फोर्थ जनरेशन के फीचर हैं सिमुलेशन और वर्चुअल रियलिटी. हम इसको टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं. देन विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर, इन सब में से कंप्यूटर का करेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? वर्सेटिलिटी, मतलब वो हर जगह यूज हो सकता है, हर तरह का काम कर सकते हैं. रिलायबिलिटी, हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं. स्टोरेज कैपेसिटी, उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं. जीरो आई क्यू इसकी लिमिटेशन है, इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है. तो इसका आंसर ये होगा. एंड देन वी हैव आर फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें क्या है? द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस वॉज अबैकस. ये हमने पहले भी पढ़ा है. फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस क्या है? ये है अबैकस. अबैकस हैज़ टू पार्ट्स, नेमली हेवन एंड अर्थ. दो पार्ट्स हैं इसके, हेवन एंड अर्थ. ये हमने रीड किया था ना, इस तरह का. उसका ऊपर वाला पार्ट होता है हेवन और नीचे वाला पार्ट क्या होता है? अर्थ. देन
लेडी एडा लॉवलेस, लेडी एडा लॉवलेस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्रोग्रामर. ये कौन है? सबसे पहली प्रोग्रामर है जिसने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग शुरू की थी. और फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज इज नॉन एज फादर ऑफ कंप्यूटर. एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्म बग फॉर अ कंप्यूटर फॉल्ट. कंप्यूटर के अंदर कोई फॉल्ट हो जाती है उसको हम बोलते हैं बग. तो ये टर्म किसने दी थी? ग्रेस हॉपर ने. ठीक है, ग्रेस हॉपर. देन वी हैव मैच द कॉलम्स. फर्स्ट इज ब्लेज पास्कल. ये आपको जस्ट पिक्चर्स आगे आपको दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपने मैच करना है. दिस इज ब्लेज पास्कल, दिस इज जॉन नेपियर, दिस इज चार्ल्स बेबेज, दिस इज. ये जो मैच द कॉलम है ये आपको इसको आगे पिक्चर्स दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग आपने मैच करना है. लाइक दिस इज ब्लेज पास्कल, दिस इज जॉन नेपियर, दिस इज चार्ल्स बेबेज, दिस इज हॉवर्ड एक्विन, एंड दिस इज जॉन मॉशली, एंड दिस वन. ठीक है, देन वी हैव हियर ट्रू फॉल्स. अ कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज टू परफॉर्म वेरियस काइंड ऑफ टास्क. एक कंप्यूटर बहुत सारे काम करने के लिए यूज नहीं हो सकता. दिस इज फॉल्स, क्योंकि कंप्यूटर तो बहुत सारे काम करने के लिए यूज हो सकता है. देन यूनिवैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. दिस इज ट्रू. यूनिवैक जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ट्रू. देन हॉवर्ड एक्विन एंड ग्रेस हॉपर डिजाइन द मार्क सीरीज. इन दोनों ने मार्क सीरीज बनाई थी. दिस इज ट्रू. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज इनिशिएटेड इन सेकेंड जनरेशन. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेकेंड जनरेशन में शुरू हुआ था? नो, आर्टिफिशियल जनरेशन शुरू हुआ था फोर्थ जनरेशन में. दिस इज फॉल्स. द एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन आर सीरी एंड कॉर्टाना. दिस इज ट्रू. इसके एग्जाम्पल क्या हैं? सीरी एंड कॉर्टाना फिफ्थ जनरेशन के. सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर. आपने यही एक्सरसाइज करनी है सिर्फ. दिस एंड दिस यू हैव टू डू. और ये क्वेश्चन आंसर आपने नहीं करने. सिर्फ आपने एक क्वेश्चन करना है इसका, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर. वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके एवरीवन, थैंक यू.